हो गई शक्कर खत्म। शर्मिला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन आया है? सुमित्रा जी आया। मैं हूँ, मैं शर्मिला। आ गई शक्कर मांगी सुमित्रा। सुमित्रा रुको जरा, मैं किचन का काम कर रही हूँ, अभी आती हूँ। शक्कर चाहिए ना? हाँ शक्कर खत्म हो गई सुबह सुबह। बैठो जरा, आती हूँ। ठीक है शीला, साइड प्लीज। ये वाइड मुंह वाली औरत कुछ ज्यादा ही बोलती है। हेलो श्रेया के दादे, आ गई सुमित्रा, फिर से तेरी शक्कर खत्म हो गई। क्या करूं, शक्कर है कि मानती नहीं, हर बार खत्म हो जाती है, खाना पड़ता है मुझे बार बार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तेरी शक्कर खत्म होती है या तू जानबूझ के शक्कर खत्म करती है? मैं क्यों जानबूझ के खत्म करूं? अभी ये शक्कर लाने के लिए गए है, पर सासू माँ को चाय पीना है तो शक्कर चाहिए थे। हाँ बैठ बैठ। हाँ वैसे तो 10 किलो शक्कर लगती है, पर ये सुमित्रा की वजह से 5 किलो और लेनी पड़ती है। इसमें आएगी कितनी? थोड़ी बड़ी लानी चाहिए थी। एक काम करना, वो पानी का ड्रम होता है ना बड़ा, वो लेके आ और पूरा भर के जा शक्कर से। नहीं नहीं इतने नहीं चाहिए, पूरे गांव को थोड़ी चाय करना है। अगर करना पड़ा तो आपसे लेके जाऊंगी एक दिन। मम्मी किसको इशारे कर रहे हो आप वहां पे? तुझे क्या करना है, शक्कर चाहिए ना तुझे? हाँ तो बस अपने काम से काम रख, इधर उधर मत देख। ठीक है मेरा काम शक्कर से है, वैसे शक्कर एक बार मिल जाती हो तो चली जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? मम्मी ये वही औरत है ना जो बार बार शक्कर मांगने आती है हमारे घर में? हाँ बेटा तंग आ गयो मैं इससे, पता नहीं आज तक कितने किलो शक्कर हमारे लेके गई है। इसके ऊपर भी टैग है ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड है मेरा। नेल पेंट लगाना भूल गए। हम दोनों मिलके अभी उसको मजा चखाते हैं। हाँ। संभल गए मम्मी। सुमित्रा जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप हर रोज शक्कर मांगने आती हो? नहीं नहीं कभी कभी आती हूँ। कभी कभी मींस हफ्ते में 3 बार। आप खुद के घर में शक्कर भर के नहीं रखती? भर के रखती हूँ मैं शक्कर, पर खत्म हो जाती है। क्या है हमारे यहाँ पे बार बार मेहमान आते हैं। अच्छा मुझे तो आज तक तेरे घर में कोई मेहमान नहीं दिखा, बस जेनी और रोकी है। आप बाहर नहीं होती, आपको नहीं पता। हाँ मुझे तेरी तरह आदत नहीं ना दरवाजों पे खड़े रहने की और ताक झांक करने की। सुमित्रा जी मैंने सुना है आप ब्रांडेड हो। हाँ मैं ब्रांडेड हूँ, मेरी बेटी भी ब्रांडेड है और माय हस्बैंड इज आल्सो ब्रांडेड, वी ऑल फैमिली ब्रांडेड ब्रांडेड। इसकी सास नहीं ब्रांडेड? अच्छा वैसे सुमित्रा जी ये ब्रांडेड कैसा होता है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ब्रांडेड मींस हमारी पूरी फैमिली ब्रांडेड चीजें यूज करती है, जैसे कि ये देखो ब्रांडेड, वो भी टैग के साथ। ये चूड़ी ब्रांडेड, ड्रेस ब्रांडेड, हेयर ब्रांडेड। आप हेयर विग लगाती हो ब्रांडेड? नो नो मैं ब्रांडेड हेयर शैम्पू लगाती हूँ तो मेरे हेयर भी हो जाते हैं ब्रांडेड। इसका सब ब्रांडेड पर खुद नहीं ब्रांडेड। मम्मी ने सही कहा, सुमित्रा जी माफ करना पर आप मुझे कहीं से भी ब्रांडेड नहीं लगती हो। क्या कहना चाहते हो शीला? ब्रांडेड लोग ऐसे नहीं होते हैं। एकदम बराबर शीला। बराबर कहा ना मम्मी, आप मुझे ब्रांडेड नहीं लगती क्योंकि आप लोगों के घरों में शक्कर मांगती। शीला तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। सही बोल रही हूँ मैं, बुरा क्या है इसमें, सच हमेशा कड़वा लगता है, इसलिए आपको ये बात बुरी लग रही है मेरी। सुमित्रा ये लो शक्कर। रहने दो शर्मिला, मुझे नहीं चाहिए शक्कर। अकू भाई क्या हुआ? सुमित्रा ससमा आपने कुछ बोल दिया क्या उसको? मैंने तो कुछ नहीं बोला। शीला तुमने कुछ बोला? भाभी मैंने जो सच है वही बोला, अब उनको बुरा लगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। शीला एक काम कर, दरवाजा बंद करके आ, क्या पता वो फिर से अंदर घुस जाए। हाँ मम्मी वही करने जा रही हूँ मैं।
छुछुंदरों का क्या भरोसा, कहीं पर भी घुस जाते हैं। आई होगी जापान से, मेरे सामने क्यों दिखाती है इतना एटीट्यूड? हूँ मैं ब्रांडेड, ब्रांडेड हूँ मैं। दीदी आप आ गई, आपने शक्ल लाई। क्या हुआ, आप ऐसा रो क्यों रही हो दीदी? ओ नो दीदी, आपको क्या हो गया, आप ऐसा क्यों रो रही हो? जाने मुझे एक बात बताओ, मैं ब्रांडेड हूँ ना? या आप तो मेरी ब्रांडेड दीदी हो। देखो तुम्हें भी पता है मैं ब्रांडेड हूँ, पर ये शीला। कौन शीला? तुम अभी तक नहीं मिला? तुम अभी तक नहीं मिली उससे? ना दीदी, मैं अब तक उसे नहीं मिला। मिली कभी? मिलना भी मत उससे, एक नंबर की बदतमीज़ है वो। अच्छा ऐसा क्या किया उसने? क्या किया? तुम्हारी सुमित्रा दीदी को उसने। दीदी अपने आप को कंट्रोल करो, मुझे बताओ क्या बोला उसने? तुम्हारी सुमित्रा दीदी से उसने ब्रांडेड टैग छीन लिया, बोलती है मैं ब्रांडेड नहीं हूँ। मेरी पूरी जिंदगी चली गई ब्रांडेड 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 करते हुए, और ये कल की आई हुई लड़की मुझे बोलती है मैं ब्रांडेड नहीं हूँ। आप ऐसे लोगों की बातों का बुरा मत मानो, आप सच में ब्रांडेड दीदी हो। मुझे पता है मैं ब्रांडेड हूँ, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, उसको जाने दो। कहा बोले? कुछ नहीं ससमा, आपने बादाम खाई है। हमारा नाम मत लेता और मुँह से कुछ भी बोलती रहती है, जाने दो। ऐसी चीजें मैं अपने मन पे नहीं लूंगी। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांड। ये दूध वाला अभी तक नहीं आया लगता है, कहाँ रह गया पता नहीं। सुमित्रा तुमको क्या हो गया था, शक्कर क्यों नहीं लेके गई तुम? शर्मिला तुम्हारी ननंद को कुछ समझा दो, लगता है उसने तुम्हें कुछ बोल दिया। बहुत कुछ बोली है मुझे, कह रही थी आप मुझे किसी भी एंगल से ब्रांडेड नहीं लगती। अगो भाई आज तक मुझे ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, सब मुझे बोलते हैं मैं ब्रांडेड हूँ, पर वो बोल रही थी मैं ब्रांडेड नहीं हूँ, मैं ब्रांडेड हूँ। हे सबूली क्या? तुम हंस रही हो ना शर्मिला? नहीं नहीं मैं हंस नहीं रही, मैं बस ऐसा शॉक होके बोल रही हूँ। हे सबूली क्या? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मुझे ऐसा कोई बोलेगा, मेरा पूरा घर ब्रांडेड, सासू माँ नहीं है ब्रांडेड, इसमें मेरा क्या कसूर? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, एक नंबर की बेशर्म है तुम्हारी ननंद, बदतमीज सही की, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं, ऐसा बोलते हैं। वो वैसी है, अब जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ सासू माँ ने ससुर जी ने लाड़ प्यार कर करके ऐसा सिर पे बढ़ा दिया है, लाड़ प्यार से फूल गई है वो ऊपर बैठे बैठे, सिर पे चढ़िया ना वो फूल गई है ऐसे प्यार से, मेरा मन तो करता है वहां पे जाके फोड़ो उसे। देखो मैं तो तुमको फुल परमिशन देती हूँ, जो उसके साथ करना है तुम कर सकती हो। तुम तो लाख परमिशन दे दोगी, पर तुम्हारी 420 सास आ जाएगी बीच में, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, वो तो है। बाऊ ए बाऊ 100 साल जिएगी बुढ़िया। आती हूँ।